रिसेंटली देश में दोस्तों एक CISF जवान को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन कि भाई चाहे स्टार हो चाहे कुछ हो, आपकी ड्यूटी है। आपकी अगर ड्यूटी चेकिंग की है तो आप स्टार है चाहे कोई आए, आप चेकिंग करेंगे ही करेंगे। आपको तो याद होगा वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी, जहां पर मुंबई एयरपोर्ट की बात है, सलमान खान जो है जो कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, वो रशिया जाते हैं अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए। और ऐसे में यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये CISF जवान जो है ये उन्हें रोकता है, उन्हें बोर्डिंग पास और उसके लिए चेकिंग के लिए बोलता है, ठीक है, और कैमरे वालों को कहता है कि पीछे पीछे पीछे, राइट। अब देश उस बहादुर फौजी को अप्रिशिएट करता है उसकी ड्यूटी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी अब उसी के लिए ही एक मुसीबत का फंदा बन चुकी है। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, आप मुझे फॉलो करें वहां। बात करते हैं अब दोस्तों नन अदर देन इस पूरे कांड की और प्लस किस तरीके से CISF का जो जवान है इसको प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए अब दंडित कर सकते हैं। रीजन क्या है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि CISF के जवान है, वी शुड कीप देम सीक्रेट एंड साथ ही साथ मैं नहीं चाहता कि उनके परिवार को कुछ आ जाए इस पर, इस बात को लेकर। लेकिन ये इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने मीडिया से बातचीत करी है और साथ ही साथ मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है। अब ये प्रोटोकॉल के को तोड़ने की बात कही जा रही है। इनके एक दोस्त ने, इनके साथ काम करने वाले ने ये भी बताया कि इनके मोबाइल को जब्त भी कर लिया गया है। पता नहीं अब ये सही बात है या गलत, हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों इस तरीके से चीजें सामने आई हैं। आपका क्या है रिएक्शन इस बारे में जरूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। क्यों उस व्यक्ति पर अब इस तरीके से संकट आया, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं।